एक बारी की होया कि कुड़ी ते मुंडे दा व्याह सी। कुड़ी वालिया ने मुंडे वाले अगे शर्त रखी कि बरात वाले दिन कोई भी बजुर्ग व्याह विच नहीं आऊगा। मुंडे वाले ने शर्त मान ली, कहिंदे ठीक है जी, कोई भी बजुर्ग व्याह च नहीं लैके आवांगे, सिर्फ मुंडे मुंडे ते जवान बंदे ही आउणगे। पर घर विच एक बजुर्ग सी, ओह अड़ गया। कहिंदा इह किदां हो सकदा, मैं ते जाणा ही जाणा, मेरे पोते दा व्याह मैं किदां छड्डदा, मैं ते जरूर जाऊंगा, जिद्दां मर्जी होए मैं जाणा ही जाणा आ, तुसीं कोई ना कोई जुगाड़ लाओ। व्याह वाले मुंडे नूं टेंशन पै गई भी दादा जी ते मगर पै गए, हुण कुछ ना कुछ जुगाड़ ते लाउणा पैणा। फिर किसे ने स्कीम दित्ती कि इदां करदे आ, दादे नूं ट्रंक च पा के लै जांदे आ, कार दी डिग्गी च रख दांगे, किसे नूं की पता लगना कि कोई बजुर्ग व्याह विच आया कि नहीं आया। चलो जी, इह मामला भी सैट हो गया। बरात गई, सारे जवान, सिर्फ दादा गया, वह भी ट्रंक च, कार दी डिग्गी विच पिया। हुण जदों फेरे होण लगे तां व्याह वाले मुंडे दे कोल इक बंदा आया, कहिंदा जी कुड़ी दे प्यो वल्लों इक बेनती आई आ कि फेरे असीं तां करने आ कि जे पिंड विच जिहड़ी नदी आ ना, उहदे विच पाणी दी जगह दुध वहिण लग जे। सारे बड़ी टेंशन च, हैं इह किदां होऊगा। मुंडा उठिया ते रिश्तेदार भी उठ गए, सारे जिन्ने भी जवान गए सी, उह सारे कहिंदे चलो चलो जी, इह किदां हो सकदा, इह ते इम्पोसीबल आ। सारिया ने तैयारी कर ली वापस जाण दी। बरात ने मुंडे ने अपने दादे नूं जाके दस्सिया, कुड़ी वाले ने तो शर्त बड़ी तगड़ी रखती है, उहदे पूरी नहीं होनी, हुण ते व्याह कैंसल है, चलो चलो वापस चलीए। दादा जी ने पुछया, कहिंदे की हो गया पुत, कई एडी गल हो गई जिहड़ा व्याह टुट गया। कहिंदा दादा जी, कुड़ी वाले कहिंदे आ कि जिहड़ी पिंड विच नदी आ ना, उहदे विच पाणी दी जगह जे दुध वहा दोगे फिर अहीं फेरे करने आ। कहिंदा अच्छा, एडी निक्की गल ते व्याह तोड़न लग्गा, इह किहड़ी गल आ। कहिंदा सारे दादे दे मूंह वल वेखण, कहिंदा दादा जी निक्की गल, पानी की जगह दुध होना। कहिंदा तू कुड़ी वाले नूं कह के आ कि अहीं दुध दा इंतजाम कर लिया आ, तुसीं नदी खाली कराओ। ते जिहड़ा बंदा सनाह लै के आया सी, उसे बंदे दे हत्थ फिर सनाह भेजिया कुड़ी दे प्यो कोल। कहिंदे जी मुंडे वाले कहिंदे आ कि असीं दुध दा इंतजाम कर लिया, तुसीं नदी खाली कराओ। अगों कुड़ी दा प्यो कहिंदा, कहिंदा पक्का कोई बजुर्ग आया वा इहनां दे नाल, कहिंदा पता करो, पक्का कोई बजुर्ग आया वा। ते इह गल सिर्फ समझाउण वास्ते सी कि बजुर्गां दी किन्नी महत्ता है साडे घर विच, क्योंकि उन्होंने कोल एक्सपीरियंस आ जो साढ़े कोल नहीं आ। जिहड़ी गल्लां उन्हां नूं पता ने वह सानू नहीं पता। जिंदगी दा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी गल है, बहुत वड्डी गल है। साडे घर विच किसे नूं जुकाम भी हो जाए तां दादी जी कई इलाज दस दिंदे ने कि पुत हल्दी वाला दुध पी ला, जे गला दर्द करदा है तां पुत पानी विच नमक पा के गरारे कर ला, गला ठीक हो जूगा। इह छोटियां छोटियां गल्लां ने पर बहुत मायने रखदियां ने। पर अजकल बजुर्गां दे नाल रहना कोई भी पसंद नहीं करदा, सानू लगदा जिवें इह तां हमेशा रोक टोक ही करदे रहिंदे ने। साडी परसनल लाइफ है, असीं अपने तरीके नाल जीणी है, इह विच एवें दखल दिंदे रहिंदे ने। तो असीं जिन्ने मर्जी अपने आप नूं स्मार्ट समझदे हाँ, असीं अपने आप नूं डिजिटल समझदे हाँ, पर फिर भी असीं एक बजुर्ग बंदे जिन्ना नहीं सोच सकदे। तो इस करके अपने माँ बाप का ते अपने वड्डियां का हमेशा सत्कार करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।